ठीक है, शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मनीष जी 17 महीने केंद्र सरकार के षड्यंत्रों के कारण जेल में रहे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी और उसके बाद पार्टी की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि 14 तारीख से यानी कि आज से मनीष जी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पदयात्रा करेंगे, लोगों से मिलेंगे। आज ये पदयात्रा ग्रेटर कैलाश विधानसभा में होनी तय थी, मगर कल दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि सुरक्षा और सतर्कता के कारणों से स्वतंत्रता दिवस से पहले उसकी पूर्व संध्या पे इसको ना करके इसको पोस्टपोन कर दिया जाए एक दो दिन तो बेहतर होगा, क्योंकि मामला स्वतंत्रता दिवस का है, सुरक्षा और सतर्कता का है, और हमें लगा कि पुलिस की सलाह जेन्युइन सलाह है। तो मनीष जी ने ये कहा है कि इस पदयात्रा को 14 अगस्त को ना शुरू करके 16 अगस्त से शुरू करेंगे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन से शुक्रवार को उसी समय 5 बजे ग्रेटर कैलाश विधानसभा में DDA फ्लैट्स कालकाजी इलाके में पदयात्रा की शुरुआत जो है की जाएगी। हम नहीं चाहते कि इस अच्छे मौके पे किसी भी तरीके का कन्फ्रंटेशन पुलिस से किया जाए। जब हमें लगा कि वो सलाह जेन्युइन है तो हमने उनकी सलाह मानी। ये आप लोगों को सूचना देनी थी। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, ये हमारा जो है मंशा नहीं थी। हो सकता है कि ऊपर वाले को ये मंजूर हो, ऊपर वाले का ये डिजाइन हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस की सलाह हो और हम मान भी लें तो इसके अंदर तो प्रकृति का कुछ ना कुछ जो है हस्तक्षेप है। तो ये तो और भी शुभ हो गया कि मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन से, हालांकि उनका जन्मदिन तारीख के हिसाब से 16 अगस्त है, मगर हिंदू तिथि के हिसाब से उनका जन्मदिन जो है जन्माष्टमी पे है, 26 अगस्त को। तो ये भी एक अच्छा सरकार के लिए जो है और पार्टी के लिए जो अच्छा संकेत है कि उनके जन्मदिवस से मनीष जी जो है इस पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। 16 अगस्त ग्रेटर कैलाश विधानसभा DDA फ्लैट्स कालकाजी विधायक कार्यालय से शुरुआत करेंगे। ये चलती ही रहेगी। अच्छा। ये तो चलती रहेगी। कितने बजे शुरू होगी? 5 बजे। तो क्या करीब 1 महीने चलेगी या इलेक्शन तक चलती रहेगी? अभी तो चलेगी, फिर बीच बीच में आकलन करेंगे। सभी दिल्ली के इलाकों को हम लोग कवर करेंगे। अभी तो इसकी शुरुआत कर रहे हैं, जैसे जैसे प्लान बन रहा है तब तक चलाएंगे। अगर कोई और कार्यक्रम पार्टी का तय हो जाएगा फिर उस कार्यक्रम में इसको जो है तब्दील कर लेंगे। इसके अलावा इससे तक यमुना नदी की फिलहाल क्या स्थिति है? कल पानी का लेवल बढ़ गया था, अभी कितना है, कितना पानी छोड़ा गया है, थोड़ा बता। यमुना नदी का जो वार्निंग लेवल है वो है 204.5 मीटर। कल ये 204.35 मीटर तक पहुंचा था, तो एहतियात के तौर पे डिपार्टमेंट्स को हाई अलर्ट पे डाला गया था और मैं भी विभागों के साथ जगह का निरीक्षण करने गया था, मगर अब पानी जो है रिसीड कर रहा है और इस वक्त यमुना का लेवल ओल्ड रेलवे ब्रिज पे 203.3 मीटर के करीब है। तो कहा जा सकता है कि अभी कोई ऐसे खतरे की बात नहीं है। और हथनी कुंड बराज से करीब 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ दिनों तक जो है इस लेवल के बढ़ने की आशंका है। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेसिडेंस सेट किया है उसमें कुछ बातें उन्होंने अहम बताई हैं। पहला कि अगर ट्रायल शुरू करने में देरी जांच एजेंसी की वजह से है तो उसके लिए आरोपी को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, उसको हमेशा के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। दूसरा,
मामला चाहे पीएमएलए का भी क्यों ना हो, 45 सेक्शन की जमानत को ओवरराइड करेगा आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेल इज अ राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन। तो मुझे लगता है कि उस आधार पर ही अरविंद केजरीवाल जी को भी इसके अंदर राहत मिलनी चाहिए। सौरभ, इसके अलावा रेसलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि जो कुश्ती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही और हम और मेडल ला सकते थे। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह की दुर्भावना से काम नहीं किया गया है, क्योंकि पिछले दिनों विनेश फोगाट के मामले को लेकर काफ़ी विवाद हुआ। अब उन्होंने ये बयान दिया है कि कुश्ती काफ़ी डिस्टर्ब है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है रेसलिंग फेडरेशन की कुश्ती रिंग में ना होके जंतर मंतर पे हो रही थी, और उसका अगर कोई एक आदमी जिम्मेदार है तो वो रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, और केंद्र सरकार का उनको संरक्षण है, जिसकी वजह से वो खिलाड़ी जिनको रिंग में प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, जिनको अपना डिसिप्लिन से अपना पूरा पूरा रेजीम फॉलो करना चाहिए था, वो मजबूर हुए अपनी इज्जत बचाने के लिए जंतर मंतर पे बैठे, जो कि पूरी रेसलिंग फेडरेशन के अंदर काम करने वाले जो खिलाड़ी हैं, प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ी हैं, उनके लिए बहुत डीमोरलाइजिंग था। एक मॉरल ही सबसे बड़ी चीज होती है किसी खिलाड़ी के लिए, जिसको केंद्र सरकार के संरक्षण की वजह से बहुत नुकसान हुआ। और विनेश फोगाट ने अपने ट्वीट में कई महीने पहले यह तक लिख दिया कि अगर कोच कुछ खिला के आपको डोप टेस्ट में ही फेल करा दे तो क्या होगा। इससे पता चलता है कि खिलाड़ियों को रेसलिंग फेडरेशन के ऊपर और उनके अधीन आने वाले कोचों के ऊपर हमेशा से शक रहा। और कुछ क्या चाहते? अच्छा, देखिए, ये बात बहुत ही साधारण बात है कि चाहे कैलाश गहलोत फहराएं, चाहे आतिशी फैलाएं, चाहे गोपाल राय फैलाएं, कोई भी चुना हुआ मंत्री, चुनी हुई सरकार का प्रतिनिधि अगर झंडा फहराए तो दिल्ली का जो वोटर है उसकी वोट का सम्मान 15 अगस्त पे हुआ। और 15 अगस्त क्या सिग्निफाई करती है? 15 अगस्त का मतलब ही है कि चुने हुए लोग देश और राज्य चलाएं, लगाए हुए लोग जैसे वायसराय लगाए जाते थे अंग्रेजों के समय में, वायसराय थोपे जाते थे अंग्रेजों के समय पे, ऐसे लगाए हुए थोपे हुए लोग ना करके चुने हुए लोग जो हैं झंडा फहराएं, वही आजादी का असली मतलब है। ठीक है।